नमस्ते, वेलकम टू श्वेता दुनिया। उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी स्वस्थ हैं। और क्यों नहीं होंगे भाई, विंटर है मतलब शादी का सीजन है। और मुझे लगता है आप में से ज़्यादातर लोगों को इस विंटर में शादी का इनविटेशन तो मिला ही होगा। किसी के अपने घर में ही शादी है, तो किसी का क्लोज रिलेटिव की शादी है, या फिर फ्रेंड की शादी है। तो मेरे घर में भी शादी है, मतलब मेरे भांजी की शादी है, मैं जा रही हूँ। तो जाने से पहले मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं उसकी शादी में अपने आप को मैरिज डे और रिसेप्शन पार्टी के लिए कैसे तैयार करूँगी। तो ताकि मुझे लगा आप लोगों को शायद उससे थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। तो इस शादी के लिए मैंने दो साड़ी खरीदी है, मतलब दो खरीदी नहीं है, एक ही खरीदा है मैंने और एक मुझे गिफ्ट में मिली है। मेरे भैया भाभी ने मुझे गिफ्ट किया है एक साड़ी, बहुत ही प्यारी साड़ी है दोनों ही। तो चलिए दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। पहला साड़ी है ये मैंने अमेजन से परचेस किया है। ये टिल ब्लू कलर की है, देखिए बहुत ही सुंदर हैंड रिबन है। ये एक तसर बनारसी है, पूरा बॉडी में ऐसा ही जरी का काम है। और ये है इसकी पल्लू में भी एकदम भरा हुआ काम है। ये थोड़ा मैट फिनिश जरी है, देखिए पता नहीं कैमरे में आप लोगों को कितना पता चल रहा है। तो बहुत ही एलिगेंट और स्मार्ट लुक देती है ये साड़ी, बिल्कुल लाइट वेट है, आपको एकदम दिक्कत नहीं आएगी इसको पहनने में। और कलर मुझे बहुत ही पसंद आया है इस साड़ी की। और इसके सबसे खासियत है इसकी ब्लाउज पीस। मैं जिसके लिए और भी ये साड़ी मुझे पसंद आई, ये देखिए ये है इसकी ब्लाउज। ज़्यादातर साड़ी में ये रनिंग में ही ब्लाउज आती है, ब्लाउज पीस, लेकिन इसका ब्लाउज पीस थोड़ा अलग है। ये देखिए पूरे बॉडी में ही ऐसे गोटा है, मतलब ऐसे ही बूटी है जरी वाली, तो जो इस साड़ी को थोड़ा और भी हेवी बनाती है। और मैंने इसको एयरहोस्टेस स्टाइल में बनाया है क्योंकि सर्दी का सीज़न है, मुझे थोड़ा आराम मिलेगी, इसलिए मैंने ये एयरहोस्टेस नेक बनाया है और साथ में ये लंबा हाथ रखा है मैंने। और इस साड़ी के लिए मैंने ज्वेलरी जो सिलेक्ट किया है वो है, देखिए ये पहले तो ये वाली नेकलेस, और उसके साथ थोड़ा सा हेवी लुक लाने के लिए मैं उसके नीचे ये वाली हार पहनूंगी, लंबा वाला जो हार है इसको मैं पहनूंगी इसके नीचे। और इसके साथ मैं ये कान का झुमका पहनूंगी और हाथ में मैं पहनूंगी ये एक साथ तीनों कड़ा एक ही हाथ में। और ये है अंगूठी। तो इस साड़ी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आपको पसंद आए तो आप लिंक पर जाकर ये साड़ी खरीद सकते हैं। मुझे तो बहुत ही पसंद है ये साड़ी, मैंने जैसा सोचा था ऐसा ही है ये साड़ी। मुझे पहले थोड़ा डर था, पता नहीं साड़ी कैसे होगी, लेकिन मैं सेटिस्फाइड हूँ ये साड़ी खरीद के। तो देखिएगा अगर आपको भी पसंद आए तो आप खरीद सकते हैं। और अभी मैं दूसरा साड़ी आप लोगों को दिखा देती हूँ। दूसरी साड़ी जो कि मैं रिसेप्शन के दिन पहनूंगी, ये मेरे भैया भाभी ने मुझे गिफ्ट किया है। ये वो मुर्शिदाबाद से खास मेरे लिए लेके आए हैं, मुर्शिदाबाद तसर हैंड वीवन तसर सिल्क। तो इसकी खासियत जो मुझे लगी
तो सर से तो सभी को पता है हमको, लेकिन मुझे जो खासियत लगी इसकी जरी, देखिए ये कॉपर और सिल्वर जरी का काम है, एकदम ही अलग है। आजकल बहुत ही फैशन में है कॉपर जरी, जो कि ट्रेडिशनल जरी का काम पहन के जो लोग बोर हो चुके हैं वो ये साड़ी ट्राई कर सकते हैं। देखिए हैंड वीवन है इसको, ये आपको पता चल जाएगी, पीछे देख लीजिए साड़ी का, ये देखिए ये पूरा वीवन किया हुआ है जो ये काम है, बहुत ही अलग है ये साड़ी, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही बढ़िया है, मैट फिनिश है एकदम, इसलिए वो ग्लॉसी लुक नहीं आती है, बहुत ही एक एलिगेंट और एक स्टाइलिश लुक देती है ये साड़ी। और ये पल्लू तो मैंने पहले ही दिखा दिया है, पल्लू के नीचे ये टसल लगा हुआ था पहले से ही, देखिए बहुत ही, मुझे तो बहुत पसंद आया। मैं इस वीडियो के थ्रू ही मेरे भैया भाभी को मैं थैंक यू बोल देती हूँ और एक बार इसका लिंक मैं आपको नहीं दे सकती क्योंकि वो लोकल मार्केट से ये परचेज किया है उन्होंने, मुर्शिदाबाद की साड़ी है तो वहीं से खरीदा है उन्होंने, तो सॉरी मैं लिंक नहीं दे सकती इस साड़ी की। चलिए मैं दिखाती हूँ इसके साथ मैंने ज्वेलरी क्या पहनूंगी। और मैं इसके साथ ज्वेलरी में पहनूंगी ये जो कि मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था, देखिए बहुत ही अच्छे से पैक होके ये आया है, इसके ऊपर भी वो और एक पैकिंग था लेकिन मैंने वो खोल दिया है। देखिए ये नेकलेस, 5 लॉकेट है इसमें, बहुत ही हेवी लुक देती है ये लॉकेट, और इसमें देखिए जो बीच में स्टोन लगा हुआ है वो मेरे साड़ी के साथ मैचिंग हो जाती है। और देखिए इसके साथ आया है ये दो कान का और ये एक मांग टीका, लेकिन मैं मांग टीका नहीं पहनती हूँ तो ये मेरा दूसरा किसी काम में आ जाएगा, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी, अगर आपको पसंद आए तो जाकर आप खरीद सकते हैं लिंक पर जाकर। और देखिए मैं उसके साथ मैं ये कपड़ का ही ये कड़ा पहनूंगी और बीच में मैं सोच रही हूँ ये रखूँ ताकि थोड़ा हेवी लुक हो, और वही अंगूठी भी मैं वही पहनूंगी, पहला वाला जो अंगूठी मैंने दिखाया था आपको वही। और दोनों साड़ी के साथ ही मुझे एक यही बैग लेना है क्योंकि ज़्यादा मैं कैरी नहीं कर सकती, दूसरी जगह जा रही हूँ तो सर्दी का सीज़न है आप लोगों को तो पता ही है। ओ मैं तो इस साड़ी की ब्लाउज़ दिखाना भूल ही गई, देखिए ये है इसका ब्लाउज, मैंने बोट नेक का बनाया है और देखिए ऐसे मैंने यहाँ पे पाइपिंग लगाया है और यहाँ पे ऐसे लेस लगा दिया है, क्या कहते हैं आप इसको, लेस ही तो कहते होंगे इस, देखिए मैंने सामने ही बटन रखा है इसका क्योंकि मुझे थोड़ा दिक्कत होती है पीछे, सर्दी का सीजन है तो मैंने दोनों ब्लाउज ही थोड़ा ढका हुआ बनाया है, इसका हाथ भी मैं लंबा ही बनाती लेकिन कपड़ा थोड़ा कम था तो इसीलिए मुझे छोटा ही रखना पड़ा, ग्लास हाथ का ही रखना पड़ा। तो चलिए अभी मैं तैयार होके कैसे लग रही हूँ वो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ।